आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं आता है। मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से आप किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। अभी के टाइम में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है। जैसे अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ आपको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट अब चेक करता है कि आपके पास है या नहीं, या आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ भी कंपनी में आपसे बोला जाता है कि भैया आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखलाइए, या आप कहीं फॉरेन जाते हैं, कहीं विदेश के लिए आप जाना चाहते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट पे भी आपको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज है या नहीं। क्योंकि अगर आपके पास सेकेंड सर्टिफिकेट नहीं है कोरोना वैक्सीन का तब तो आप 15 दिन आपको रखेगा, अगर आपको सेकेंड वैक्सीन का सर्टिफिकेट है कोरोना वैक्सीन का तो वहाँ पे आपको 7 दिन आपको क्वारंटाइन में रखेगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी के टाइम में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं तो किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन पे ही अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था और उसमें पूछा जा रहा था कि सर मैं वैक्सीन ले लिया हूँ बट हमको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं आता है, तो इस पर एक वीडियो बना के दिखला दीजिए कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था तो मैं सोचा चलो जो भी मेरे व्यूअर्स है जो मुझे कमेंट किए हुए हैं उसको हेल्प हो जाए। मेरे व्यूअर्स कमेंट किए हुए हैं तो मैं सोचा कि चलो मैं इस पर एक वीडियो बना के दिखला दूँ ताकि उसको हेल्प हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से ही किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीका से। तो कैसे आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सीखेंगे किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से आप किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ क्रोम। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है कोविन, जैसे कोविन ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है को डब्ल्यू आई। देखिए जैसे यहाँ पे मैं को डब्ल्यू आई डाला यहाँ पे आ चुका है kovin.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है। यहाँ देखिए रेड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो है डेस्कटॉप मोड में यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड में जो है इनेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर एंड साइन इन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आप वैक्सीन लेने टाइम में दिए थे, तो वही आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए मैं मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। और ये जो टाइमिंग होता है वो 3 मिनट का टाइम होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको 3 मिनट के अंदर अंदर में यहाँ पर जो है ओटीपी डाल दीजिएगा, वो ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा। यहाँ पर देखिए मेरे केस में आ चुका है, मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में ये ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ से जो है आप बहुत ही इजी तरीके से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पर्सन का जो है अभी जो सेकेंड डोज लेने में 25 दिन बचा हुआ है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि अगर आप फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ सर्टिफिकेट पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये
पर्सन जो है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों ले चुका है। तो जैसे ही आप जो है सेकेंड डोज लीजिएगा तो फर्स्ट डोज पढ़कर जो है ऑप्शन डाउनलोडिंग का हट जाता है। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप सेकेंड डोज लीजिएगा तो ये जो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और यहाँ फर्स्ट डोज पर वो आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट डोज वाला यहाँ पर हट चुका है। और यहाँ पर जो है जैसे सेकेंड डोज लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से है आप जो है सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले जो बताऊंगा कि फर्स्ट डोज का आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, अब इसको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग होकर जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ देखिए डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे इस पर ओपन वाले पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है यहाँ पे ओपन होकर आप यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपको ये फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है जो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि बेनिफिशियरी का नाम आ गया, उम्र आ गया, जेंडर, इसके बाद आईडी वेरीफाइड कौन सा आईडी से लिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी, इसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिक हेल्थ आईडी आपको यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए वैक्सीन का नाम आ गया, कौन सा वैक्सीन लिया हुआ है, इसके बाद कब लिया वो डेट आ चुका है, और नेक्स्ट जो है कब डोज लेगा वो आपको यहाँ पर डेट आ चुका है, कौन वैक्सीन लगाया है वो लगाया हुआ है उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, और कहाँ पे लगा है उसका एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस इस तरीके से है आप जो है अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ही इजी तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, नीचे आने के बाद देखिए यही पर्सन जो सेकेंड डोज ले चुका है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, नीचे आने के बाद देखिए यही जो पर्सन सेकेंड डोज ले चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डोज टू लिखा हुआ है तो यहाँ सर्टिफिकेट ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको उसी तरीके से डाउनलोड आपको ये होके वहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है, आपको ओपन वाले पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं अपना सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइनल सर्टिफिकेट फॉर कोविड-19 वैक्सीन, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि डोज वन, तो यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए फाइनल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है क्योंकि ये सेकेंड डोज का है। तो आपको जो है फाइनल सर्टिफिकेट सेकेंड डोज का लीजिएगा तो इसी तरीके से फाइनल सर्टिफिकेट लिखा के आ जाएगा, और सेम आपको वही प्रोसेस रहेगा जो आपको फर्स्ट डोज में था। तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी का नाम आ गया, उम्र आ गया, जेंडर, इसके बाद आईडी वेरीफाइड आ गया, यहाँ पर रेफरेंस आईडी आ गया, वैक्सीन कौन सा लिया है, कोवैक्सीन लिया हुआ है वो आ गया, यहाँ पर देखिए फर्स्ट डोज कब लिया था, सेकेंड डोज कब लिया था, कौन वैक्सीन लगाया हुआ है और कहाँ पे लगा हुआ है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो गाइस इस तरीके से है आप बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से आप जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था और उसमें पूछा जा रहा था कि सर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हम अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं आपको बता दिया हूं कि किस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख सकते हैं। और आप अगर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट निकाल के दिखा दीजिए, या आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो भी आप ये सर्टिफिकेट निकाल के दिखा सकते हैं और वहाँ पर आपको काम बन जाता है। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही ईजी और आसान तरीके से जो है आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इससे पहले एक वीडियो बना रखा हूं, उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताया हूं कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट और अपना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कैसे कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी गलती हुआ है, नाम, उम्र या कुछ भी, तो आप कैसे आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो हमें कॉमेंट किया हुआ था कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत ही इजी तरीके से ये सीख जाएंगे कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे, अपने कोरोना वैक्सीन में कोई भी सुधार, कोई भी करेक्शन कैसे करेंगे। तो गाइस आपने सीख लिया कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिए होंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।